bastard! आइए मैडम, बैठिए। मैडम, शिंदे, मैडम छत पे सिगरेट बाहर फेंकूं दे। बोलो मैडम, कंप्लेंट लिखानी है? किसके अगेंस्ट लिखानी है कंप्लेंट? किसी के साथ झगड़ा हुआ है? मैं लेडी कांस्टेबल को बुलाऊं? किसी ने असॉल्ट किया है? मैडम आप बोलेंगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए मैडम, फोन बज रहा है, कम से कम फोन तो उठाइए। आप नहीं बताएंगे तो हम लोग कैसे समझेंगे? मैडम कुछ तो बोलो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? माही चलो चलो उठो, उन्हें कंप्लेंट लॉन्च करनी है। सॉरी सर, हमें कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी। आप कौन है? मैं इनका सेक्रेटरी हूँ। चलो चलो खड़ी हो माही, गेट अप गेट अप, चलो चलो आओ आओ। शाबाश, क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह पुलिस स्टेशन में आने की? आप और आर एस करने वाले हैं क्या? ये बात सच है कि शराब के नशे में आपने आर एस झगड़ा किया? आपका और आर एस का क्या रिश्ता है? I'm ready. Action. माही अरोरा, क्या कहें उसके बारे में? Unpredictable. हम जर्नलिस्ट को लेबल दिए बिना चैन नहीं आता, इसीलिए अलग अलग नाम दे देते हैं। Impulsive, vulnerable, drama queen. माही स्टार तो थी ही, पर बाकी एक्ट्रेसेस से बिल्कुल अलग। क्या इंटरव्यूज देती थी, कब क्या बोल जाए जो दिल को छू जाए पता ही नहीं होता था। क्या हो रहा है? All well. रशीद भाई जी, आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। क्यों, क्या हुआ माई? क्योंकि आज मैं पूरा दिन रेस्ट करूंगी ताकि मैं सक्सेस पार्टी के लिए फैब लगूं। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक गाइस? सुपर्ब सुपर्ब, वो तो तुम लगती हो। बाय द वे गाइस, तुमने गायत्री रेड्डी को देखा था प्रीमियर पार्टी पर? माई गॉड, रिया मेहरा के साथ बैठकर तुम्हारी बिचिंग कर रही थी। रियली? ये एक्ट्रेसेस कभी एक दूसरे के लिए खुश नहीं हो सकती क्या? हे माही, यू मस्ट वॉच आउट। हाँ प्लीज एंडी, मैंने कब कम्पीट किया है इन लोगों के साथ? आई जस्ट वांट टू हैव फन। और वैसे भी पिक्चर हिट है, आगे की लाइनअप अच्छी है, तो हु केयर्स कौन क्या कहता है। आई कम्प्लीटली अग्री। ग्रेसी, मेरा सिगरेट पैकेट देना। एनीवेज, जो आउटफिट्स लेके आया हूँ मैं, प्लीज ट्राई कर लो बेब्स। देखो शाम की पार्टी में क्या पहनना है हम अभी डिसाइड कर लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं ट्राई करना है, जो देना है दे दो, आई विल जस्ट वेयर दैट। ओके देन, रेड रेड। एंड शाम की पार्टी में आर्यन भी आ रहा है। ओ कम ऑन, आज तक तुम्हारे किसी फंक्शन में आया है क्या? वो हर बार की तरह वो नहीं आएगा। हे रैट्स, कम ऑन, बी पॉजिटिव, हो सकता है आज की पार्टी में वो आ जाए। गॉड नोज इट।
जल्द आप इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन से कैप्टन बनने वाले हैं? देखिए, ये एक फिल्म पार्टी है, तो अगर आप क्रिकेट की बात पिच पे ही छोड़ दें तो वही बेहतर है। गायत्री, आपकी और माही की राइवलरी की बहुत चर्चा हो रही है। Would you like to comment on that? माही and I are just acquaintances, कोई राइवलरी नहीं है, and I'm really happy कि समीर और माही की फिल्म हिट है, इसीलिए मैं पार्टी में आई हूँ। Well, Abbas, you've been such a rare sight. I'm really surprised to see you here. बस समीर को अपनी विशेस देने आ गया। सुना है तुम अपनी बायोग्राफी लिख रहे हो? विभा, मुझे अपनी बायोग्राफी लिखने की क्या ज़रूरत है? ऐसे कई मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के एक्स एडिटर्स हैं, कोई ना कोई लिख ही देगा। That's so typical Abbas Khan, no? Hey, congratulations! You deserved it completely. Yeah. मैंने तो प्रीव्यू के बाद ही बोला था कि तुम्हारी पिक्चर सुपर हिट है। थैंक यू। तुम्हारी नई फिल्म कस्टडी रिलीज हुई है ना? Yes. तुम्हारी परफॉर्मेंस की बहुत चर्चा है, but you know what, I've been so busy, मुझे टाइम ही नहीं मिला देखने के लिए। ओह, मैं जल्दी तुम्हारे लिए शो रखवाती हूँ। मिल तो ऐसे रही है जैसे दो बहने हो। सहज शिपोकरे। मीट कल्पना जी, SM चैनल हेड। हेलो। एंड मुकेश सत्यागी, ही इज अ बिग प्रोजेक्ट डिजाइनर। हाय। एंड दिस इज शाइन खान। नाइस टू मीट यू। शी इज एन अपकमिंग एक्ट्रेस। हाल ही में जो मुंबई लव रिलीज हुई, उसमें इनका बहुत अच्छा डेब्यू हुआ है। वाओ, दैट्स ग्रेट। साउथ की दो फिल्में भी कर रही हैं। Drink now. Okay. Simply not happening. Break की बात करते हैं। Break for lunch. Mahi, you need to focus. If you need more rehearsal, just do it. Fine. Give us something simple, stage. Copy. Tablet. सॉरी बेब्स, दैट जोक ऑफ समीर खान, मैं उसकी पिक्चर ही नहीं देखता, उसके पार्टी पे कैसे आ सकता था? पार्टी मेरे सक्सेस की भी तो थी, और तुमने कहा था कि तुम आओगी। तुमने पूछा तो मना नहीं कर पाया। आई डिडंट वांट टू हर्ट यू। ना कि भी तो तुमने वही किया। राज ने भी कहा था कि तुम नहीं आओगे। कम ऑन माई, दैट साइको बिच, तुम उसकी बातें इतनी सीरियसली क्यों लेती हो? क्योंकि तुम मुझे सीरियसली नहीं लेते। That's nonsense, Mai. It's true. अगर लेते तो दिखाई देता। Babes, I'm sorry. Okay, I fucked up. I'm sorry. Please, babes, come on. You know what? आज मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, पैकअप के बाद। I'll make up for everything. Laish come on me. Ya Rabbi. Yeah.
دربال البيت يا البيت مجنون للميبا ما يلبهد البيت آرين मैंने मेरा पासपोर्ट ऑलरेडी तुम्हारे ऑफिस भिजवा दिया है क्योंकि बहामास की वीजा के लिए 15 दिन लग जाएंगे। For God's sake, माई, बहामास जाने के लिए 3 महीने बाकी हैं। So what? I'm so excited. ये हॉलिडे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आज तक कभी साथ में हॉलिडे पे नहीं गए। Jesus, that my phone? कहाँ है? परफेक्ट टाइमिंग। हाँ रियली 20 मिनट में पहुंचता हूं। या अक्षित की तबीयत खराब हो गई। आई गॉट टू गो होम। आई एम सॉरी बेब्स। ए, क्या हो गया मेरे स्पाइडरमैन को? तो ठीक है। कब से बुखार है? स्कूल से आते ही वीक फील कर रहा था। डॉक्टर को बुला लिया। चलो सो जाओ। यू बी ओके। सॉरी आर्यन, अक्षत बहुत जिद कर रहा था इसलिए तुम्हें बुलाना पड़ा। अपने घर से आ रहे हो या माही के? तुम्हें क्या फर्क पड़ता? आई सी। हाँ वैसे वो मेरे लॉयर का फोन आया था। डिवोर्स पेपर्स रेडी हैं साइन करने के लिए। सो कर दो। हाँ कर दूंगी, पर पहले तुमसे पूछना चाहती थी, क्या सोचा है वैसे तुमने बैंडस्टैंड वाले घर के बारे में? उसके बारे में सोचना क्या? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो फ्लैट में रख रहा हूँ। तुम्हें ये घर और गोवा के 2 घर दे चुका हूँ। पर मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ, मैं तुम्हारे बेटे अक्षत के लिए मांग रही हूँ। बैंड्रा से उसका स्कूल भी पास पड़ता है ना? ईशा, तुम जानती हो फ्लैट मैंने अपने पेरेंट्स के लिए खरीदा है। पर पेरेंट्स को तुम वो मल्लार वाले फ्लैट में भी तो शिफ्ट कर सकते हो। दिस इज अनबिलीवेबल। You know, I just can't believe this. 3 properties, 10 crore का सेटलमेंट और अब तक तुम्हारा पेट नहीं भरा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरीके से। सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ नहीं था आर्यन। Let's not go there. बस जल्दी से फ्लैट के बारे में डिसाइड करो ताकि पेपर साइन कर सके। ओके? You're too much, Isha. Thanks so much, Riya, for this exclusive interview. Really. Anything for you, Tamanna. अच्छा, स्पेन के आउटडोर में आ रही हो? Okay? I'd love to. Thanks again. Okay. Bye, baby. See ya. Yanisha. What? Really? Shit. I was certain के हो जाएगा. कोई चांस नहीं है? Sure. Okay, I'll call you later. Hey, babes. Babes. Ah, hi. Babes, what happened? You seem to be tensed. क्या हुआ है? पनाश डायमंड्स के ओनर को जानते हो ना? Yeah, that dude Jay Sanghvi, right? Yeah. उसका क्या? उनका एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पे है। और मेरी टीम 2 साल से ट्राई कर रही है। ओके। लेकिन इस बार भी वो माही के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ठीक है ना बेबी? ठीक नहीं है। अगर एंडोर्समेंट मुझे मिलता है ना, इट विल बी अ क्लिंचर। तो You know, वो जय सांगवी, he is a bisexual, and he has horse for you. Listen, I really need this. Dude, not a word outside, okay? Bro, मुझे पता है, हमारी इंडस्ट्री में zip और ज़बान दोनों संभाल के खोलनी चाहिए. Say hi to Riya. Okay, bro.
फ्लैश डायमंड वालों का एंडोर्समेंट रिया मेहरा के पास चला गया है। इट्स ओके, मैं हर एंडोर्समेंट तो नहीं कर सकती ना। तुम हर चीज को बहुत लाइटली ले रही हो माँ। हाँ माँ, हाँ आ रही हूँ। अच्छा, यहाँ से नोएडा जा रहे हैं? हाँ, सोच रहा हूँ। डिनर के लिए जा रहे हो माँ? हाय माँ। हाय बेटा। हेलो माही बेटा, कंग्रेट्स, सुना है पिक्चर हिट हो गई? हाँ। अगली रिलीज कब है? पता नहीं, पेपर्स में आ जाएगा, पढ़ लेना। और हाँ, मैंने तुम्हारा नाम पद्मश्री के लिए रिकमेंड किया है। रियली? थैंक्स। आई तो बताया। पिछले एक महीने में तुम 3 बार दिल्ली आ चुकी हो और 1 बार भी घर नहीं आई। क्योंकि यहां रहूंगी तो रोज आपके स्पेशल कैबिनेट मिनिस्टर खुराना से मिलना पड़ेगा। एंड यू नो आई डोंट लाइक हिम। और तुम्हारे स्पेशल कोस्टा के क्या हाल हैं? पिछली बार आई थी तो कह रही थी कि 6 महीने में उसका डिवोर्स होने वाला है। 8 महीने हो गए, कुछ बात हुई, उसने कुछ कहा, वो तुमसे शादी करने वाला भी है कि नहीं? इतने सवाल मैंने कभी पूछा आपसे आपके रिलेशनशिप्स के बारे में? क्योंकि तुम मेरी माँ नहीं हो। लुक माही, मैं जानती हूँ कि तुम इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत इनसिक्योर हो और एक दिन ये इनसिक्योरिटी ऑब्सेशन में बदल जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस चक्कर में आगे चलकर ना रिलेशनशिप रहे ना करियर। आई थिंक यू आर कंफ्यूज माँ। आप अपने बारे में बात कर रही हो, मेरे बारे में नहीं। मैं आपसे बहुत अलग हूँ। माई लाइफ इज फुली अंडर कंट्रोल। आई एम श्योर इट इज। लेकिन याद है पिछले 2 रिलेशनशिप्स में भी तुमने यही कहा था। डू यू रिमेम्बर? हाँ। आज शाम को डबिंग हो जाएगी, ठीक है। अगले हफ्ते 2 इवेंट्स हैं माही, हैदराबाद में स्पा की ओपनिंग और जयपुर में जियो डी एग्जीबिशन। हाय तमन्ना। हाय माही। अब मेरे डायरेक्टर का इंटरव्यू लेने आई थी। यस। जब से मुंबई डेली ज्वाइन किया है तुम फोन ही नहीं करती। कम ऑन माही, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बिजी थी, दैट्स ऑल। बिजी? रिया मेहरा के साथ, राइट? उसे 1 हफ्ते में 2 बार तुमने कवर पेज पे डाला है, पर वो करती भी तो बहुत है तुम्हारे लिए। तुम्हारे फैमिली के लिए फ्री वेकेशंस, तुम्हारे लिए नया लैपटॉप, दुबई शॉपिंग ट्रिप्स। शी इज सच अ नाइस पर्सन। दैट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस माही। रिया इज अ क्लोज फ्रेंड, इनफैक्ट उसके स्टार बनने से पहले से जानती हूँ मैं उसे। हाउ स्वीट। इसलिए वो जो भी नेगेटिव स्टोरीज देती है मेरे बारे में तुम उसे छाप देती हो। माही, वेक अप तमन्ना। मुंबई डेली की एसोसिएट एडिटर हो तुम। फिल्म स्टार्स की फ्रेंडशिप तुमसे नहीं, तुम्हारी पोजीशन से। और हाँ, स्पीकिंग ऑफ पोजीशंस, आज तुम्हारे ग्रुप एडिटर के साथ डिनर कर रही हूँ मैं, तुम्हारी बात तो जरूर निकलेगी। रैट, कहाँ हो तुम? यहाँ आने वाली थी ना? What? Are you serious? रशीद भाई, आज के लिए पैकअप। आज लास्ट डे है माही, कॉम्बिनेशन डेट है। कह देना कि फूड पॉइजनिंग हो गया। से कहो मैं वैन में हूँ। ठीक है मैम। वैन में बैठिए। क्या हो रहा है मैं? अपनी शूटिंग छोड़ के मेरी शूटिंग पर आ गई बिना बताए? जासूसी कर रही हो मुझ पर? क्यों नहीं आ सकती आर्यन? ये लव मेकिंग सीन स्क्रिप्ट में नहीं था, फिल्म एक महीने में रिलीज होने वाली है, तो सडनली ये सीन कहाँ से आ गया? हाँ,
फॉर गॉड्स सेक माई, डायरेक्टर को लगा कि ये सीन सेकंड हाफ के लिए जरूरी है तो ऐड कर दिया। अच्छा तो मुझे बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं मतलब? और हम सीन्स कब से डिस्कस करने लगे एक दूसरे के? क्यों नहीं डिस्कस कर सकते? अब तो हमारी शादी भी होने वाली है। असली प्रॉब्लम तो ये है कि तुम कमिट नहीं करना चाहते ताकि तुम्हारा ये माचो प्लेबॉय इमेज बना रहे और तुम जब चाहो अपने हीरोइंस के साथ ऐसे सीन्स ऐड करते रहो, राइट? I can't believe this, Mai. मैं ईशा से डिवोर्स ले रहा हूं और क्या चाहिए तुम्हें? तो वो कौन सा मेरी वजह से ले रहे हो? मैं तुम्हारे साथ एक साल से हूं आर्यन और तुमने अपना डिवोर्स 1.5 साल पहले फाइल किया है। I'm not a fool. मैं सब जानती हूं, okay? मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं। आर्यन मैं तुम्हारे एक्सप्लेनेशन से थक गई हूं। मुझे कमिटमेंट चाहिए। Do you understand that? अगर नहीं दे सकते हो तो क्या माई? वहां तुम्हारी वजह से ईशा मुझे तंग कर रही है। I can't deal with this, माई। माई, मुझे लगता है मैं एक ब्रेक ले लेना चाहिए। कुछ दिनों के लिए नहीं मिलेंगे। तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूं। होपफुली तब तक ये डिवोर्स भी आ जाएगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। आर्यन, तुम जानते हो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। I love you. I hate it जब तुम ये बात सबसे छुपाते हो। पार्टीज में मेरे साथ कोस्टार के जैसे बिहेव करते हो। डर लगता है मुझे, बहुत डर लगता है आर्यन कि तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? आई जस्ट वॉन्ट अस टू बी हैप्पी। प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज प्लीज। हाय गायत्री। हाय रेहान, हाउ आर यू? गुड, कम सिट नाउ। क्या बेबी, कोई न्यूज नहीं, गॉसिप नहीं, कुछ तो डोप दो यार। ऐसे कैसे चलेगा, कुछ तो यार। You want some hot gossip? या बेबी कुछ तो दो। Come here. माही के वजह से हमारी शूटिंग रुक गई। ओह रियली? ओह ये कल की लीड स्टोरी होगी, देख लेना तुम। ओके। किताब पढ़ भी रही हो या देख रही हो बाकी हीरोइनों की तरह? वेरी फनी। दिस इज जस्ट नॉट डन। माही गेट होल्ड ऑफ योर सेल्फ। बार बार दवा लेना इज नॉट द आंसर। और थोड़ा सेल्फ कंट्रोल सीखना चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए, यही इसका सही ट्रीटमेंट है। तन्वी इस वक्त मुझे लेक्चर नहीं, दवाई की जरूरत है। तुम प्रिस्क्रिप्शन लिख रही हो या मैं कहीं और जाऊं? माही, राइट द डैम प्रिस्क्रिप्शन विल यू? व्हाटएवर। And now, the best debut of the year, female goes to the gorgeous, the beautiful Shaheen Khan. Congrats. Hey. Congratulations. Thank you so much. Well done. Thank you. Thank you. Thanks. Debut of the year. Wow. Thanks, Mom. Thanks my friends, thanks to my director, thank you so much. ये award उन सारी छोटी शहर की लड़कियों के लिए dedicated है जो Bollywood में आना चाहती हैं। गया, इसका करियर तो गया। क्यों बेबी? It's bad luck, मम्मी कहती है। जिसको ये डेब्यू अवार्ड मिला ना, उसका जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। मुझे भी ऑफर किया था, मैंने मना कर दिया। And now ladies and gentlemen, for the Monarch Universal Lifetime Achievement Award, may I please call on stage the yesteryear legend, Shagufta Rizviji. And to present the award, may I call upon stage Mahi Arora and the MD of Monarch Universal, Mr. Hasmukh Thakur. Congratulations, Shagufta. Thank you.
Good evening, everyone. यह अवार्ड मिलने के बाद लोग बहुत बात करते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। यादों के हिसाब लगाने से उनके मोल कम हो जाते हैं, इसलिए बस शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका, जिन्होंने मेरे इस सफ़र में मेरा साथ दिया है, और ख़ासकर जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि उनसे ज़िंदगी के सबसे बड़े सबक सीखे हैं मैंने। थैंक यू वेरी मच। अकील भाई, नथिंग डूइंग। बात 1 CR की हुई थी और 1 अवार्ड की। आप लास्ट मिनट पे बैकआउट नहीं कर सकते। देखो गायत्री, माही और आर्यन का पेयर कितना पॉपुलर है ये सब जानते हैं, राइट? तो जोड़ी नंबर 1 का अवार्ड भी उन्हें ही मिलेगा ना? पॉपुलर माई फुट, सिर्फ मैगजीन्स में उनकी जोड़ी फेमस है। आर्यन और मेरी लास्ट पिक्चर सुपर हिट थी, right. ओवरसीज में भी, और हमारी अगली फिल्म 2 हफ्ते में रिलीज पे है। करेक्ट। अगर मुझे ये अवार्ड नहीं मिला तो मैं परफॉर्म नहीं करूंगी। परफॉर्म नहीं करूंगी? बट गायत्री, ये अवार्ड तो ज्यूरी का डिसीजन होता है। हाउ कैन वी, वी कांट डू एनीथिंग। तो ठीक है, एक काम करो ना, ज्यूरी से बोलो परफॉर्म करने के लिए। लेट मी नो। ओके, चल आर्यन से बात करते हैं। हेलो। हेलो ब्यूटीफुल। व्हाट? मेकअप बेबी। बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा? क्या बात है? नथिंग, बस तुम्हें मिस कर रहा था। रियली? इस तरह बैकस्टेज परफॉर्मेंस के पहले मेरे रूम में आना, इसका मतलब है तुम्हें कुछ चाहिए। टेल मी। बाकी तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। एक्चुअली बेबी, वो क्या है ना कि एक रिक्वेस्ट थी। आर्यन खन्ना और रिक्वेस्ट? दिस इज सीरियस। बेबी, वो क्या है कि गायत्री और मेरी फिल्म रिलीज पर है, और उस फिल्म के प्रोड्यूसर सोच रहे थे कि वो जोड़ी नंबर 1 अवार्ड जो हमें मिलने वाला था, अगर मुझे और गायत्री को मिल जाए तो फिल्म की पब्लिसिटी में काम आएगा। But that's only if it's okay with you, really. तुम क्या चाहते हो? बस इतना ही। SMS कर देते तो भी हाँ कहती। Who cares तुम्हारे साथ जोड़ी नंबर 1 अवार्ड किसको मिलता है? तुम्हारे साथ तो असली जोड़ी मैं हूं ना। Always my sweetheart. Makeup baby. I don't care baby. कार ठीक कर दे यार। प्रेम कवर्ड है। Look at पापा अक्षत, बहुत डेंजरस होता है ऐसे स्टंट्स करना, पता है? How cool! पापा की तरह मैं भी हीरो बनूंगा, सुपरमैन मूवीज करूंगा। ऑफ कोर्स। अक्षत, कितनी बार बोला है स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, किसी के भी साथ खेलने लगते हो। चलो। लैंड करते ही पीछे मत खींचना, ऑफ बैलेंस हो जाता है। Stranger? I mean, how dare she? Relax. Relax, Mahi. Relax. Just listen to me. Aryan तुम्हारे साथ है। ईशा को वो डिवोर्स दे रहा है, तो वो अपना गुस्सा तुम पे नहीं निकालेगी तो क्या करेगी? एंडी, आर्यन को उसे कंट्रोल करना चाहिए था, उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। अरे लेकिन वो उसे कैसे कहता, वो शॉर्ट में था ना। He did not even know, darling. Hey, Mahi, listen. ये ईशा ना चाहे जो भी कर ले, आर्यन तुम्हारे बारे में सीरियस है। और क्या चाहिए तुम्हें? बुलशिट। अगर वो तुम्हारे बारे में इतना ही सीरियस है तो आज रोहन के एनिवर्सरी पार्टी में आने से मना क्यों किया? अरे उसने ऐसा नहीं कहा कि पार्टी में नहीं आओ, उसने सिर्फ यही कहा कि पार्टी में ईशा के जाने के बाद आना, है ना माही? So tell me what's wrong in that?
हाँ रैट्स, इफ यू आस्क मी एवरीथिंग। देखो माही, रोहन तुम्हारा भी अच्छा को-स्टार है और तुम्हें उसने इनवाइट भी किया है, तुम क्यों नहीं जा सकती हो वहाँ? ऑफ कोर्स जा सकती है, बट अ लिटिल लेटर। आई डोंट थिंक माही शुड बी लेट। दैट्स नॉनसेंस रैट्स, व्हाई डू यू ऑलवेज हैव टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स? Oh really? Yes. Oh, of course you're looking fab. You make a lovely couple, huh? Thank you so much, Abbas. I mean, anniversary, हमारी और party तुम लोग दे रहे हो अपने घर में. It's really sweet of you. Don't be silly. ये idea Zara का था. Thank my lovely wife. Beautiful. Yeah, totally. ये actresses की क्या चीज होती है? बीवी के साथ चिपक रही है क्योंकि रोहन के साथ film expect कर रही है. एक नंबर की fraud है. Come on, Anu. इस ग्लैमर इंडस्ट्री में कौन फ्रॉड नहीं होता यार? और बाय द वे, शीना भी एक्ट्रेस रह चुकी है। She'll make sure कि कोई फिल्म विल्म ना मिले से। Like that? I'll catch you around. Hey, cheers. Hey, beautiful. Shaheen Khan. She's hot, yaar. Report क्या है? समीर खान इसे काफी रेकमेंड कर रहा है। Really? एक्टिंग वैक्टिंग भी ठीक ठाक करी लेती है, but nothing to be excited about. क्योंकि सुना है पैकअप के बाद किसी से नहीं मिलती। तुझे बहुत नॉलेज है उसके बारे में, हाँ? इससे पहले कि ये रोमियो, दानिश कपूर अपना नंबर लगाए, इसके साथ एक पिक्चर तो करनी पड़ेगी। इजी रोहन, तेरी पहली एनिवर्सरी है, वरना मेरे डिवोर्स लॉयर की जरूरत पड़ जाएगी। ट्रू। थैंक यू अंगद, थैंक यू सो मच। श्रीलंका की सीरीज से तुम टाइम निकाल के आए। अरे कमान यार, राखी सिस्टर हो तुम मेरी। पांच दिन का मैच 4 दिन में जीत के आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। Too sweet. Come on, guys. We have to take a picture for my BBM. Oh, hey, yeah. Anything for you, guys. Hi, Zara. Mahi. Sorry I'm late. Yeah. Congratulations, Sheena. Thanks, Mahi. आसान नहीं है रोहन के साथ एक साथ गुजारना। You deserve an award. Mahi, yeah. Let's get you a drink. I'll help myself. Don't worry. Okay. Guys, let's just chill. Yeah. It's the worst thing that can happen. Hi. Congratulations, Rohan. What's up, Dan? Hi, Mahi. Thanks, Mahi. What a surprise! क्यों? तुम्हें लगा मैं नहीं आऊँगी? Have fun, Rohan. Bye. Thanks, sir. Yes, ma'am. One red wine, please. Sure. Hey, you're drinking. What's this nonsense, Mike? मैंने कहा था ना यहाँ पर नहीं आना। Please leave. क्यों? रोहन मेरा भी दोस्त है। मुझे भी इनवाइट किया गया है। Please ये ड्रामेबाजी बंद करो मैं। और जाओ यहाँ से। What's the problem? सब जानते हैं यहाँ हमारे बारे में। तुम क्यों छुपाते हो? Mike, ये जगह नहीं है सब बातें करने की। डरो मत आर्यन, तुम चाहे मुझे कितना भी बुरी तरह ट्रीट करो, मैं तुम्हें कभी एम्बैरेस नहीं करूंगी। Because I love you. Damn it, Mike. एक वोडका टॉनिक प्लीज। श्योर सर। हे माही, जा रही हो? अरे अपना ड्रिंक तो खत्म करते जाओ। लो खत्म हो गया। And by the way, मैं कहीं नहीं जा रही हूं।
It's not my fault, Aryan. I couldn't help it. तुम सिर्फ अपनी इमेज के बारे में सोचते हो। कभी सोचा है सब मेरे बारे में क्या कहते हैं? That I'm a loser. And I'm sick of it. और वैसे भी आज भी मैं चुपचाप वहां से जा रही थी। But that bitch of a wife you have, उसे क्या जरूरत थी मेरे साथ बात करने की? What the fuck does she mean? Drink तो खत्म करके जाओ। उसने मुझे प्रवोक किया, तो I had to do something. तुम तो उसे कभी कुछ कहते नहीं हो, तो मैंने कह दिया। आर्यन, say something. मैं जब भी हमारे बारे में बात करती हूँ, तुम हमेशा कुछ नहीं कहते। Can't you see? It's driving me crazy. आर्यन, I really need to know. क्या हमारा कुछ फ्यूचर है? Or you just using me? I can't deal with this anymore. आर्यन, ये फिल्म नहीं है। Say something. I need to know. Why the fuck can't you react? Do you want me to fucking react? Why just? Get out. What do you mean by get out? I mean just get out! कहा जाता है कि वो वहाँ कंप्लेन लिखवाने गई थी, हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया। हाँ माँ, मैंने तुमसे कहा था ना, डोंट ट्रस्ट दैट बास्टर्ड। प्लीज नॉट राइट नाउ। तुम थोड़े दिन दिल्ली क्यों नहीं आ जाती? हाँ, जस्ट टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दिस मेस। नो आई माही, अफसोस की बात तो यह है कि आप मीडिया वालों को जो छापना है आप छाप देते, तो छाप दीजिए। लेकिन आखिरी बार कह रहा हूँ, माही सिर्फ मेरी को स्टार है और कुछ नहीं। तो सुना आपने कि सुपरस्टार आर्यन खन्ना ने कहा कि माही अरोरा सिर्फ उनकी को स्टार है और कुछ नहीं। तो एज अ जर्नलिस्ट जब भी माही की सिचुएशन को एनालाइज करती तो लगता था ये लड़की कितनी स्टूपिड है, लेकिन जब भी उससे मिली तो बस हमदर्दी ही फील हुई। शी वाज सो लॉस्ट, सो अलोन। बाइपोलर पर्सनैलिटी तो थी ही, ऊपर से सक्सेस की दुनिया में सच्चे इमोशंस ढूंढ रही थी। कैसे मिलते? आर्यन खन्ना के साथ ब्रेकअप, उसके बाद उसकी इनसिक्योरिटी और फिर ये फिल्म इंडस्ट्री, सब आर्यन की तरफ हो गए। सुपरस्टार जो था, पुराने को-स्टार्स जिनकी मदद माही ने की थी, उन्होंने भी हाथ छोड़ दिया। सब ने मिलके बिल्कुल तोड़ दिया उसे। माही, तुम उन सबसे हार तब मानोगी जब अपने आप से हार जाओ। हमेशा दूसरों में अपनी खुशी ढूंढती हो, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। अपनी खुशी अपने काम में ढूंढो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर करियर। यू जस्ट हैव टू स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम, टेक चार्ज। बता दो सबको कि माही अरोरा इज नॉट ओवर। Hi, I'm Pallavi Narayan. Oh, hi. Will you have something? No, thanks. देखो माही, मैं कोई normal PR person नहीं हूँ. I build images. मैं brands बनाती हूँ. पर मैं already एक brand हूँ. हाँ हो, लेकिन एक fading brand हो. बस तो फिल्में हैं तुम्हारे पास और कुछ mid-level के endorsements. अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो यू विल सून बी ओवर। मैंने तुम्हारे लिए अगले साल के लिए एक रफ स्ट्रैटेजी बनाई है। पहले 3 महीने में हम तुम्हारा इमेज बिल्डिंग करेंगे, उसके बाद में हम लोग अगले क्वार्टर में ए लिस्ट के एंडोर्समेंट्स करेंगे तुम्हारे लिए, एंड देन ए लिस्ट की फिल्मों पर फोकस करेंगे, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी बैक बिंगो एक नई इमेज के साथ। पुरानी इमेज इतनी स्ट्रांग है तो
नई कैसे बनाएंगे? तुम बनाओगी माही, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना, तो फिल्म इंडस्ट्री झूठ को भी सही मान लेती है। तुम्हारी इमेज बहुत ही कंफ्यूजिंग रही है, ना तो तुम एक वाइल्ड चाइल्ड हो ना कन्वेंशनल हो, और फिल्म इंडस्ट्री को कंफ्यूजिंग इमेजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन नाउ दैट्स ओवर, हम तुम्हें एक पावरफुल स्टार की इमेज देंगे जिसे अपनी हर मूव के बारे में बहुत कॉन्फिडेंस होगा। अंदर कुछ भी चल रहा हो ना माही, हमेशा कॉन्फिडेंस दिखाओ। यू हैव टू बी अ प्लेयर नाउ। Vodka with coconut water. तुम्हें कैसे पता? बहुत कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में। Your favorite color, turquoise blue. Your favorite non-vegetarian food, mutton paya. Your favorite holiday destination, Koh Samui. डरो मत। स्टॉक नहीं कर रहा हूँ तुम्हें। बस फिल्मी मैगजीन्स पढ़ने का शौक है, नहीं तो नींद ही नहीं आती। Hi, अंगद पॉल। तुम्हें कौन नहीं जानता? वाइस कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम। वैसे हम कई पार्टीज में एक दूसरे को देख चुके हैं, लास्ट टाइम जारा की पार्टी में। आई नो, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, सोचा। आई नो इट वाज एम्बैरेसिंग। तुमने सोचा होगा कितनी ड्रामेबाज है ये। नहीं, मैंने सोचा कि कितनी गटसी है। वैसे अब सब ठीक है? सब ठीक नहीं है, पर मैं ठीक हूँ। आई मूव्ड ऑन। एंड हाउ इज गायत्री? मैं भी बस मूव्ड ऑन ही हूँ। आई एम सो सॉरी। व्हाई सॉरी? मैं तो बिल्कुल सॉरी नहीं हूँ। वैसे हमारा ड्रामा भी बहुत छपा था पेपर्स में, देखा नहीं? मैं न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स नहीं देखती। क्यों? क्या पता अपने बारे में क्या पढ़ने मिल जाए। चीयर्स टू दैट। चीयर्स। Alex, isn't Mahi looking gorgeous? Yeah, लेकिन क्या फायदा? कौन साइन करेगा इसे? इतनी moody है, impulsive है, over emotional है. Alex, Hollywood हो या Bollywood, हर successful heroine में ये तीनों qualities होती हैं. Oh yeah. अब इसे कोई नहीं रोक सकता. बस बच जाए. किससे? अपने आप से। अंगद, यू आर क्रेजी। इसीलिए मेरी और तुम्हारी बहुत बनेंगी। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। आई जस्ट हैड टू बी हियर। कुडंट हेल्प इट। थैंक यू अंगद, मुझे इस बोरिंग पार्टी से बचाने के लिए। तुम चाहो तो तुम्हें रोज बचा सकता हूँ मैं। तुम कल क्या कर रही हो? एनीवे, जो भी कर रही हो उसे कैंसिल कर दो। रियली? कल मेरा मैच है, यू मस्ट कम, इट बी फन। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर तुम आओगी तो हम जरूर जीतेंगे। देखती हूँ, आई विल ट्राई। गुड नाइट। वाव माही, मैच का इनविटेशन, यानी कि हाई फाई पब्लिसिटी। क्लेवर मूव पल्लवी। ये कोई मूव शूव नहीं था। अगर नहीं था तो बनाओ। यू हैव टू गो देयर टुमारो माही। मैच पे जाओ और उसके साथ पब्लिक में जितना दिख सको देखो। अंगद पॉल इज अ ग्रेट कैच। पल्लवी इज अ रियली नाइस गाय, और ऐसे उसे जानबूझ के मैनिपुलेट करना। माही अरोरा, ये फिल्म इंडस्ट्री, यहां या तो मैनिपुलेट कर लो या हो जाओ। द चॉइस इज योर्स बेब्स।
थैंक्स लोबो. यू वेलकम सर. वैसे कल के सिक्स से पहले मैं बहुत प्रेशर ले गया था. तो फिर तुमने क्या किया? जब भी मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता ना तो मैं गाना गाता हूँ. जब बॉलर अपने रन अप पे जाता है मैं गाना गाना शुरू कर देता हूँ. कल मैं गा रहा था खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात पे शॉट. यू रियली आर मैड. वैसे मेरी सेंचुरी के लिए मेरी पूरी टीम तुम्हारी शुक्रगुजार रहेगी और मैं भी शुक्रगुजार. क्या बात है. एक्सक्यूज मी. हाँ माही सुनो, एग्जैक्टली 10 मिनट में रेस्टोरेंट से बाहर निकलना एंड डोंट फॉरगेट. Look surprised. Yeah, I'll see you soon. Okay, yeah, bye. क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए. Sure. शगुफ्ता जी. अरे कैसी हैं आप? कैसी हो माही? मैं ठीक हूँ. बाजू वाले फ्लोर पे शूट कर रही थी. आप यहाँ? मैं भी इस फ्लोर पे शूट कर रही हूँ. ओह, तो यहाँ क्यों बैठे हैं इतनी गर्मी में? अपने वैन में बैठिए. शायद नहीं है और फिर सिर्फ 3 दिन का काम है तो नहीं दिया. नहीं दिया? एक्सक्यूज मी. जी आप प्रोडक्शन से हो? जी हाँ, जा तो उसको संभाल जा. जी माही जी, शगुफ्ता जी का वैन कहाँ है? रहने दो माही. क्या बताया आपको माही जी, ये प्रोड्यूसर की बीबी चाय से चपाती तक हर चीज का हिसाब रख रही है. तो हम कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए वैन कहाँ से लाए बताइए, आप ही बताइए. आई एम हेल्पलेस माही जी, आई एम वेरी सॉरी. शगुफ्ता जी अब मेरे साथ आइए. आई मैनेज. चलिए जब इनका शॉट रेडी हो जाएगा तो मेरी वैन से बुला लेना. जी माही जी. चलिए शगुफ्ता जी कम. माही इतनी अपसेट क्यों हो जाती हो? मुझे आदत है इन बातों की. कहाँ हमारे जमाने में ये वैन्स वैन्स होते थे. बस जहाँ थे छाता खोल के बैठ जाते और शूटिंग करते. बहुत तकलीफ होती होगी ना उन दिनों बगैर प्रिवेसी के. पता नहीं माही, फिल्म की पूरी टीम एक साथ उठते थे बैठते थे. डायरेक्टर्स, हीरोज, हेरोइन, साइड एक्टर्स, जूनियर आर्टिस्ट, सब हंसी खुशी से काम करते थे. इसलिए तकलीफ कभी भी महसूस नहीं होती थी. शायद इसलिए तब रिश्तों को ज्यादा वैल्यू देते थे. और अब फेम और सक्सेस. पर फेम और सक्सेस के लिए ही तो हम एक्टर्स बनते हैं. हाँ बनते हैं, पर शोहरत जितना देती है उससे कहीं ज्यादा हमसे छीन लेती है. ग्लैमर की चमक में हमें दिखाई नहीं देता कि हमने कितना खोया है. और जब पता चलता है तब बहुत देर हो जाती है. सब कुछ परफेक्ट टाइमलाइन पे हो रहा है. आई एम सो हैप्पी माही. 4 महीने में 7 A-line एंडोर्समेंट्स, 11 हाई प्रोफाइल इवेंट्स एंड सब कवर पेजेस पे तुम. आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक. इट्स ऑल थैंक्स टू यू पल्लवी. ये सब तो ठीक है लेकिन आप एक हीरोइन हैं माही. सबसे पहले आपको फिल्म साइन करनी चाहिए. रशीद भाई, आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली राइट. एक हीरोइन को एड्स और एंडोर्समेंट्स उसकी फिल्मों की वजह से मिलते हैं एंड इट्स हाई टाइम कि तुम एक बड़ी सी फिल्म साइन करो. अब्बास खान एक साउथ की रीमेक बना रहा है. पूरी फिल्म अब्रॉड शूट होगी. अगर तुम्हें ये फिल्म मिल जाए ना तो योर होम. लेकिन सुना है कि ये रिया मेहरा को कंसिडर कर रहा है और गायत्री भी बहुत डेस्परेटली इसके लिए ट्राई कर रही है. तो मेरे क्या चांसेस है? ये तो तब पता चलेगा जब तुम ट्राई करोगी माही. इट्स वेरी सिंपल. या तो इस रेस में आकर तुम रिया और गायत्री को हरा दो या फिर यहां बैठकर हार जाओ. इट्स अप टू यू. माइंड ब्लोइंग माही. एक्सीलेंट शॉट, एक्सीलेंट शॉट. विल सेट अप फॉर द नेक्स्ट शॉट. या श्योर. ओके शूट पे हूँ माँ, बाद में बात करते हैं. एक मिनट माही, इट्स अर्जेंट. प्रताप की पार्टी मुंबई में एक क्लीनिनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज कर रही है और वो चाहते हैं कि तुम भी वो इवेंट अटेंड करो, पर सिर्फ 10 मिनट के लिए एज अ चीफ गेस्ट. ठीक है तो उनसे कहो रशीद भाई से बात करें, 20 में फाइनल करें.
What? Are you crazy? तुम अपनी माँ से पैसे लोगी? वो भी social cause के लिए? Stop overreacting, माँ. Ruling party है. बहुत पैसे हैं उनके पास. तुम्हारे लिए 20 में कर रही हूँ, वरना बाहर 30 लेती हूँ. माही, please. मैंने प्रताप को promise किया है, you know. माँ, I don't have time for all this. We'll talk later. सुरेखा, चलो. हाँ. ये रिया भी ना मैडम, पिछले 5 साल से अपना 25वां बर्थडे मना रही है. सुरेखा, ये लोग हर हीरोइन के बारे में ऐसा कहते हैं. नहीं नहीं, आपको मालूम नहीं मैडम, ये कुछ ज्यादा ही चैप्टर है. इसको तो मैं तब से जानती हूँ, ये जब 2000 पर डे की मॉडल थी. सही जगह पे, सही टाइम पे कैसा पहुँचना है इसको बराबर मालूम होता है. और उसके लिए वो कुछ भी करेगी मैडम? कुछ भी? हाँ, कम से कम 31 इयर्स की है ये. वो बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट में झोल किया इसने एज का. मैं सब जानती हूँ, मेरे को पूछो ना. वो फिल्म आई थी ना बैड बॉयज नाम की, उससे पहले बनवाया था इसने पासपोर्ट. फिर अपने को क्या करना है, मैं तो अपने काम से काम रखती हूँ. ये लोगों के गॉसिप में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. मैं क्या भूल गई? हाँ, गजरा. मैडम, मैं गजरा लेके आती हूँ. हाय माँ, वो क्या कह रही थी आप प्रताप खुराना के रैली के बारे में? अच्छा अच्छा, उनसे कह देना कि मैं आऊंगी. डन डील. प्रताप खुराना. माही जी से दरखास्त करूंगा कि दो शब्द कहें. थैंक यू. एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि क्लेनिनेस ड्राइव हर शहर के लिए बहुत जरूरी होता है. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि प्रताप जी और उनके नेशनल पार्टी ने इसका आयोजन किया है और मैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से ये ड्राइव शुरू करने जा रही हूँ. तो हमारे साथ बोलिए, क्लीन मुंबई, हेल्दी मुंबई. Clean Mumbai, healthy Mumbai. थैंक्स माही. मैं जानता हूँ ऐसे इवेंट्स के लिए तुम फिल्म स्टार्स को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, पर तुम सिर्फ अपने मॉम के कहने पे आ गई. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. एनी टाइम प्रताप अंकल, और आगे भी अगर कुछ हो तो ज़रूर बताइए. थैंक्स. एक्चुअली मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए था. हाँ हाँ, बोलो ना. एक एक्ट्रेस है रिया मेहरा, उसने अपने पासपोर्ट में जो एज है वो फौज किया है. और मुझे लगता है कि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी से अगर कह सकते हो तो. या या, नो प्रॉब्लम, आई डू दैट. शिंदे. हाँ सर. पासपोर्ट बुक. अब क्या हुआ ऑफिसर? मैडम, आपको हमारे साथ चलना होगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कुछ पूछताछ करनी. प्रमुणे, क्या? चलिए. और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आज एयरपोर्ट इमिग्रेशन ने पासपोर्ट में अपनी आयु गलत बताने की वजह से अभिनेत्री रिया मेहरा का पासपोर्ट जब्त कर लिया है. वो अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने पेरिस जा रही थी. सूत्रों के मुताबिक अथॉरिटीज ने इंक्वायरी पूरी होने तक रिया मेहरा के विदेश जाने पर रोक लगाई है. हमने रिया मेहरा से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई. Nice, very nice. I think it's perfect. What do you think? It's beautiful. I'm very happy. You are looking beautiful. But babes, वो जो बाकी के 3 outfits हैं, उन्हें भी try कर लो please, please, please. पर वो यार तो 10 दिन बाद है ना? It's fine. I know, पर मैं alteration बहुत जल्दी खत्म करना चाहता हूँ. अरे तुम जानती हो, वो रिया की पासपोर्ट controversy के बाद अब्बास की फिल्म अब गायत्री कर रही है. और वो दीवा, वो रिया का एक outfit नहीं पहनेगी.
पूरा का पूरा लुक ही चेंज कर दिया है उसने। शूटिंग को सिर्फ 2 हफ्ते रह गए। जस्ट इमेजिन, आई एम सो हैरोड। माही, क्या हो गया? What? पता नहीं एंडी, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अब्बास को मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। उस फिल्म के लिए तो मैं भी ट्राई कर रही थी। मैंने अब्बास को एक लंबा SMS भी भेजा, पर उसने जवाब ही नहीं दिया। वेयर ना? मिशेल, एक्सक्यूज अस फॉर अ मिनट प्लीज। थैंक यू। अब्बास को SMS? आर यू क्रेजी? अब्बास किसी हीरोइन के SMS का जवाब नहीं दे सकता। उसकी बीवी जारा उसे मार डालेगी। या क्रिस्टीना के एपिसोड के बाद जारा ने उसे अल्टीमेटम दिया है, किसी भी हीरोइन के साथ कोई भी हैंकी पैंकी की तो ही विल बी अ डेड मैन। इनफैक्ट अब्बास के फिल्म्स के हीरोइन की कास्टिंग भी जारा ही करती है। गायत्री का ओके भी वहीं से हुआ है, यू नो। सी, इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड मी। हां, मेरा नाम मत लेना, आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ फ्रेंड। ओके, लेट्स राधा और फिट्स, कम ऑन मिशेल। This is your third cigarette. इतनी क्यों टेंस हो यार? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हो गया मेरी जान? वर्क स्ट्रेस अंगद, जल्दी कुछ नहीं किया तो करियर डाउनहिल। व्हाट नॉनसेंस! कितने फिल्मों के ऑफर्स आ रहे हैं, एड्स कर रही हो, मीडिया हमारे बारे में लिख रहा है, व्हाट एल्स डू यू वांट? फिल्म ऑफर्स तो बहुत है पर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, और एड्स और मैगजीन से कुछ नहीं होता। यू विल बी फाइन। अंगद, मैं ये कभी नहीं कहती, पर तुम्हारे साथ मैं कंफर्टेबल हूं इसलिए कह रही हूं। प्लीज मेरे लिए जारा से बात कर लो। अब्बास निखिल आनंद की फिल्म कर रहा है, अगर जारा कहेगी तो वो मना नहीं करेगा। लेकिन माही, मैंने कभी जारा से अब्बास के प्रोफेशन की बात नहीं करी। It's a bit weird, you know. I know. पर I believe कि मैं उस रोल के लिए परफेक्ट हूँ। और उन्होंने गायत्री को साइन किया है। और तुम तो जानते हो गायत्री कैसी है। Anyway, forget it. मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेरा करियर खत्म हो जाएगा। पर मैं किसी बिजनेसमैन के साथ मिलकर एक IPL टीम खरीद लूंगी। और क्या? दी, तुम अब्बास को जानती हो और मैं उस गायत्री को। शी इज अ स्लट। तुम्हें पता है ना क्या होने वाला आउटडोर पे? दोबारा क्रिस्टीना वाला चक्कर? फिर से माँ के घर जाके रहने का इरादा है क्या? लेकिन अंगद, वो सभी ऐसी हैं, किस पे भरोसा कर सकते हैं? और फिल्म में किसी को तो लेना पड़ेगा ही ना। एक सेफ ऑप्शन है, माही। अब्बास को पता है वो मेरे साथ है, तो वो भी थोड़ा केयरफुल रहेगा ना। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अंगद, माही भी कोई दूध की धुली नहीं है। बहुत सुना है उसके बारे में और देखा भी है। ओके, पर दी, अब वो मेरे साथ है और तुम तो जानती हो कि मैं कितना सीरियस हूं उसके बारे में, वरना जिया नहीं आता। अंगद, तुम्हें एक्ट्रेसेस के अलावा और कोई पसंद नहीं आती क्या? क्या करूं, और कहीं खूबसूरती दिखती नहीं। प्लीज दी, अब्बास से बात करो ना उसके बारे में, मेरे लिए प्लीज। हाँ, प्लीज अब्बास से बात करो ना, मेरे लिए दी प्लीज। हेड एंड शोल्डर शैम्पू और कंडीशनर से। कार्ट प्लीज।
Yeah, we're done with this show. Thank you. Okay. So I'll wait in the van. Yeah, go for an exchange. Madam, phone. Hi. You're joking. Thank you. Thank you so much. Yeah, I'll see you in the evening. Bye. हाय पल्लवी, अंगद का फोन आया था। एक ब्रेकिंग न्यूज है। निखिल आनंद की फिल्म में अब्बास खान की हीरोइन अब मैं हूं। स्प्रेड द वर्ड। Cigarette smoking is injurious to health. It causes cancer. धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है. धूम्रपान से कर्क रोग होता है. अंगद है ना? नो। ये निखिल भी, he's a slave driver. 7 दिन से लगातार काम करवा रहा है। आउटडोर है भाई, एक दिन का भी ब्रेक नहीं दिया। Totally exhausted. Anyway, जल्दी पैकअप करवा रहा हूँ। Need to relax. I want a glass of red wine. Hey, तुम्हें red wine पसंद है, right? है ना? Yeah. इनफैक्ट मेरे एक फैन ने यहाँ पे मुझे एक 50-year-old शैटो मार्गो की बॉटल गिफ्ट की है। वाओ। एंड आई विल हेट टू हैव इट अलोन। व्हाई डिडंट यू कम ओवर टू माय रूम? साथ पीते हैं। क्या हुआ? बात ये है कि मैं एंटीबायोटिक्स पे हूँ, सो आई कांट ड्रिंक वाइन। कितने दिन? 3 दिन। That's not a problem. आज ट्यूजडे है, फ्राइडे पीते? मैं निखिल से कह दूंगा कि सैटरडे यूनिट को ऑफ दे दे, सो दैट वी हैव ऑल द टाइम ऑन फ्राइडे नाइट। गुड आइडिया। Tonight I celebrate my love. Coming. Hey. Hi. Looking gorgeous. Thank you. Come on. Surprise! What's up, man? कैसा लगा? ये सरप्राइज का आइडिया माही का था. Fantastic. Come, come. Hey. I have to say, Abbas. तुम्हारी सारी हीरोइंस में मेरी फेवरेट तो माही है। हाँ जरा, आज से माही मेरी भी सबसे फेवरेट हीरोइन है। कम। Yeah. So what are you lovebirds up to? Red wine, माही? Sure. Sure.
नाइस, वेरी नाइस। अब्बास, ये तुम्हारा गायत्री से आइटम नंबर करवाने का आइडिया वाज फैब। जानता हूं, पहला ट्रेलर इसी गाने का बनवाओ। इनफैक्ट पूरी पब्लिसिटी गायत्री के इस आइटम सॉन्ग पे फोकस करो। गायत्री का एक सोलो पोस्टर भी बनवाओ। सोलो पोस्टर? लेकिन हीरोइन तो माही है ना? हीरो कौन है? मैं पूरी फिल्म संभाल रहा हूं, तो माही को संभालो। डील विद इट। Congrats. Thank you. 50 crores ka weekend hoga. Trade mein mera prediction hai. Thank you. Arey Abbas sir, likh ke deta hu, kam se kam 150 crore ka business hai. Koi rok hi nahi sakta. Thank you. Tum hamari film mein Mahi ko recommend kar rahi thi. Inke 8 scene hai film mein. Wo bhi theek se nahi kar payi. But Alex, she looks lovely yaar. Oh, come on. I'm an actress, she's an actress. Not some decoration. Mahi's out. Congratulations, Abbas. You did it. No, Mahi. We did it. Hey, Gayatri, lucky mascot of my film. Come. There you are. Yeah, come. Tumne itne busy schedule ke bawajood mere liye gaana kiya. Thanks. And you really rocked, you know that? Come on, Abbas. Anything for you. Kya hua, Mahi? It's not fair, Nikhil. Main to film mein hoon hi nahi. Mahi, tum Abbas ko janti ho. You know him so well. फिल्म शूट खत्म होने के बाद एडिट से लेकर पब्लिसिटी डिजाइन तक सब कुछ वो ही कंट्रोल करता है। उसने मुझे एडिट में बैठने तक नहीं दिया। But you know what, माही? Cheer up. Look around. Public reactions देखो. And you know what? ट्रेड पंडित तो ये कह रहे हैं कि ये फिल्म 150 करोड़ का बिजनेस करेगी। अब इस इंडस्ट्री में जो हिट है वो ही चलता है। That's the success mantra, right? माही, you were brilliant. Mind blowing absolutely. Soon, sequel announce कर दे. It has to rock. Trust me. And Nikhil, Gayatri's sexy Leela was just a killer. Thanks. Aryan. Congratulations, bro. Thanks, bro. Second half mind blowing. 100 crore maregi. Mahi kuch upset lag rahi hai. Role cut gaya na uska. अपसेट होने से क्या फायदा यार? अब्बास से पंगा, आर्यन से पंगा। अब हीरोज को अपसेट करेगी तो पोस्टर पे स्टैम्प साइज ही बनेगी ना। चलो काम डाउन माही। व्हाट डू यू मीन बाय काम डाउन? एक भी रिव्यू ने प्रेज नहीं किया है। हर क्रिटिक ने कहा है कि अब्बास खान इज अ स्टार एंड माही इज जस्ट अ शोपीस। फिल्म में डैम रोल ही नहीं है। द पिक्चर इज अ सुपर हिट एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स माही। तीन फोन ऑलरेडी आ चुके हैं एंडोर्समेंट्स के लिए। दो बड़ी फिल्मों के ऑफर्स हैं माही। पल्लवी, क्या मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूं? कम ऑन माही, आंसर द डैम क्वेश्चन। क्या मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूं या नहीं? माही, तुम एक स्टार हो,
तुम्हें एक्ट्रेस बनने की कोई जरूरत नहीं है। है पल्लवी, जरूरत है। माही अरोड़ा, इतना बड़ा फिल्म स्टार, तपन गुहा का फिल्म क्यों करना चाहता है? आपको तो मालूम है हम एक्सेंट्रिक फिल्म मेकर है। हमारा फिल्म तरन्नुम जान प्रोस्टिट्यूट का स्टोरी है। इसमें सेक्स है, गाली है, हम रियलिस्टिक फिल्म बनाता है और तुम कमर्शियल हीरोइन है। हमारा फिल्म का बजट छोटा है, तुम बड़ा बड़ा हीरोइन का नखरा भी बड़ा बड़ा होता है। आई प्रॉमिस तपंदा, ऐसा नहीं होगा। देखो, ये हमारा पहला हिंदी फिल्म है, तुम्हारा डेट का प्रॉब्लम होगा, प्राइस का प्रॉब्लम होगा। हम स्टार्ट टू फिनिश फिल्म बनाता है, 6 महीने तक कोई दूसरा काम नहीं कर पाएगा। कि क्या बोलता है? डेट्स आपकी, प्राइस आपका, कब शुरू करना है? अरे इसको ढंग से रखो यार। की दादा की खबर? तुम्हारे जब मुंबई है ट्रैफिक माने बिच्छिरी। आइए मैम, आप यहाँ बैठिए। हाय माही, आई एम प्रोमिता, प्रोमिता रॉय, जानती हूँ। ओह बैठो ना। यू नो माही, आई एम सो ग्लैड तुम्हें फिल्म कर रही हूँ। इट्स अ किक-ऐस स्क्रिप्ट और तुम्हारा रोल तो मतलब सुपर्ब है। जानती हूँ, पर पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। क्यों? पहली बार ऐसी फिल्म कर रही हूँ ना, और तुम्हारी तरह इतने अवार्ड्स भी नहीं जीते। प्लीज, अवार्ड्स और क्रिटिक्स को मैं इतना सीरियसली नहीं लेती, शायद इसलिए वो मुझे सीरियसली लेते हैं। बट यू नो माही, ये फिल्म तुम्हारी ग्लैमरस इमेज बिल्कुल चेंज कर देगी। मैं तो दादा की फिल्मों में जैसे कंपल्सरी ब्लाइंड हूँ। 4 फिल्में कर चुकी हूँ उनके साथ, इसीलिए तो ये फिल्म भी कर रही हूँ। वो क्या कहते हो तुम लोग, वो स्पेशल अपीयरेंस। ए आलो सिगरेट देना। ए माही, क्यों क्या हुआ? पब्लिकली नहीं पीती हो या तुम्हारा ब्रांड नहीं है? लाइंस करें प्रमिता, इट इज नॉट जस्ट लाइंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्शन। हैं की बुझलम, यू प्लीज कीप दैट फोन ऑफ। हैं कॉन्सेंट्रेट ऑन द सीन। व्हाट इज योर लास्ट लाइन, डू यू रिमेंबर? हैं प्रमिता, इट इज माय फाइनल पोजीशन, वी विल बी ज़ूमिंग इन फ्रॉम देयर। हैं अपने अपने कैश में। हैं एटा तुम्हारा खूब शुक्र। हां यहां खड़ा रहो। Cut it. Hey, Somil. Cut. Mahi, see the complexity of the emotion. Lie down. See, I am your customer. I am looking at you. You are already feeling naked. हाँ माही। हाँ दादा सर। देखो, अभी हम लोग सीन 20 कर रहा है और ये 4 पेज का सीन है। We will be shooting one shot, one scene, no cut, okay? पूरा मेमोराइज करना पड़ेगा तुमको। तुम्हारे पास 1 आवर है, ये लो, रेडी हो जाओ। पर दादा 1 घंटा? छोटा बजट का पिक्चर में ऐसा ही होता है। BBM कम करो, काम पे ध्यान दो। हाय। हाय अंगद, तुम कब आए? इतना ठंडा रिएक्शन, मुझे लगा तुम मुझे देख के खुश होगी यार। ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, इस जस्ट आई एम ड्रेन्ड, और अभी भी 4 पेज का सीन शूट करना है। एक्सक्यूजेस। कितने फोन कॉल्स और SMSs किए मैंने तुम्हें, तुम जवाब ही नहीं देती। अंगद, ये कोई मैच नहीं है कि हम फोन कॉल्स का स्कोर रखें। क्या है? लुक, मैं एक बहुत इंटेंस फिल्म की शूट कर रही हूँ, रोज मुझे अपने परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। लकी हो तुम।
तुमसे बात नहीं होती तो मैं तो अपनी परफॉर्मेंस पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता, इसलिए फोन करता रहा यार। पूरे सीजन मेरी फॉर्म की I'm sorry. चलो माफ किया। सरप्राइज। एक साल हो गया हमें डेट करते, इट्स टाइम टू गेट मैरिड। और हमारे रिश्ते से लुधियाना में मेरी फैमिली भी खुश है, एंड दैट्स इट। हाँ? पर अंगद, ऐसे इस वक्त क्या कहूं मैं? हाँ कहो और क्या। Look, I really appreciate it. But right now, I'm just not in the frame of mind. मुझे वक्त चाहिए। Of course, baby. तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, बस हाँ कर दो मेरी तरन्नुम जान। दादा, what are you saying? दादा देखिए, do not tell me what to do. कभी बोलता है जूनियर आर्टिस्ट का बजट नहीं है, कभी बोलता है साला शूटिंग डेज काम करो, ऐसा कैसा बनेगा फिल्म? दादा देखिए, हम पांचटा फिल्म बनाया इसके पहले, उसमें से चार को नेशनल अवार्ड मिला है। हम मानता है कि ये हमारा पहला हिंदी फिल्म है, बट डू नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड। जी जी जी, हम देखा है इसका पहले, तुम लोग बड़ा बड़ा स्टार्स को लेके क्या रबिश बनाता है। अपना बॉसेस को बोलो जाके उधर उधर एसी रूम में बैठ के चेयर गर्म करने से फिल्म नहीं बनता है। दादा हम इधर पसीना बहाता है तो फिल्म बनता है। जी जी वो तो पता है दादा। Do not disturb me on set like this. दादा दादा, let me concentrate please. अब क्या करें? टेंशन मत लो, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। Hey Partho, मैं करता हूँ। Head for Conchinta. Action. साली चनाल, कस्टमर चुराती है मेरा। ए चल, मैं क्यों कस्टमर चुराने लगी? वो तो खुद ही मेरे पास आया था। झूठ बोलती है कुत्ती, ये तीसरा कस्टमर खा गई है। सुधर जा नहीं तो बतीसी तोड़ के ऐसे थोड़ा बिगाड़ दूंगी कि अंधेरे में भी डर लगेगा तुझसे। Cut it. Hey, क्या हो गया तुमको माही? कैसा मशीन का जैसा लाइन बोल रहा है तुम? हाँ? कैरेक्टर को फील करो। यहाँ पर तुम माही हीरोइन नहीं है, यहाँ पर तुम हमारा कैरेक्टर है तरन्नुम प्रोस्टिट्यूट। उसको फील करो, प्रोस्टिट्यूट को फील करो। ये सब तुम्हारा एक्टिंग बॉलीवुड में चलता है, हमारा सिनेमा में नहीं चलता है। हाँ? उसको मोर रियल करो, रियलिज्म। Hey bloody idiot! Am I phone today? Phone today? Sala, get out! Bahar jaake kneel down karo. Kneel down karo. Ki bol chila mummy? Dada. Hey. Ho chini aare. Hey, backup karo. Backup karo. Tomonda erom korish na. Chance to the. Just relax, माही। You know, दादा का प्रॉब्लम ये है कि उन्हें हर चीज़ में रियलिज्म चाहिए और उन्हें लगता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस में वो रियलिज्म आ नहीं रहा है। बट रिलैक्स, वो इट विल कम। दादा को परफॉर्मेंस में क्या चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताती हूँ, तुम चेंज करो और मेरे साथ चलो। कम ऑन, गेट रेडी। बहुत गोरे लोग आते हैं इधर, वो क्या है, वो क्या अपना बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उन लोग। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हाँ आइए, जरा भी टेंशन नहीं लेना। कविता ये कहाँ डर लग रहा है मुझे, डोंट बी स्केयर्ड, जस्ट गेट इन। हल्का जवानी वाली? हाँ हाँ वही है, माई अरोरा। अरे क्या सोलर नाचे रहे तू? कटिंग चाय पिएगी? नहीं नहीं मैडम, हम ऐसे देखने के लिए आए हैं। हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं ना, उसमें आप लोगों के जैसा रोल है तो इसलिए। अच्छा अच्छा, तो आप ये स्टडी करने आई हैं? हाँ। मेरी लड़कियाँ कैसे खाती हैं, पीती हैं, कैसे उठती हैं, बैठती हैं, गाली कैसे देती है, धंधा कैसे करती है। अरे सुनती हो, ये जो हीरोइनी है ना, ये कह रही है ये हमारा काम करेंगी।
लोग हमारा काम करोगी तो हम लोग क्या करेंगे भाई? अभी देखना है तो देख लो, हमारी दुकान तो खुल ली है और यह है ना, देखने के पैसे नहीं लगते तुम्हारी फिल्मों की तरह क्या? बिल्कुल 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 सही है ना वल्ली? एकदम एकदम। चलो मेरे लड़कियों से मिल लो। अरे वल्ली मेरे भाई, जरा मेरे लिए ना वो बड़े का नल्ला मंगवा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी से ही मंगवाना। भी पुलिस के रेड पड़ी है, इंस्पेक्टर भोसले आया, जल्दी आइए, मैं आपको निकाल करके देता हूं। आइए 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 आइए, मैं आपको दूसरे के रास्ते से निकलता हूं। अरे जल्दी कर, जल्दी उनको पीछे से निकाल दे। मैडम सामने वाली गली से निकल जाइए, जल्दी निकलिए, चलिए जल्दी निकलिए। कैसा लगा रिसर्च? वाजंट इट एक्साइटिंग? ये रिसर्च प्रमिता, यू क्रेजी। ये क्रेजीनेस भी तो एक्साइटमेंट का एक हिस्सा है, यू नो। ये एडवेंचर्स, ये हमें बेटर एक्टर्स बनाते हैं। यू नीड टू रिलैक्स माही। आई नीड अ ड्रिंक, कम ऑन, मेरे घर चलते हैं। कम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो माही। तुम्हारे अंदर जो दर्द है ना, उसे बस स्क्रीन पे लेके आओ, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकेगा। छोड़ो ये सब। ए, तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्कोर क्या है? अरे डोंट लुक सो शॉक्ड, कभी तो गिना होगा। हाँ मेरे ना 17। सीरियस वाले? डोंट वरी, मुझे जवाब नहीं चाहिए। You're beautiful. Bye for take two. Action. मैंने तो उस टर्की को बोल दिया, ले ले तो इधर ही चले, मैं किसी चद्दर बदलू होटल में नहीं आने वाली। Cut it, okay. Very good. खूब बालो, very good माही, very good, हाँ, very nice. चलो पर है शॉट की। Bye, two, take one. ये तो कुछ नहीं, अब ये सुन चमड़ी। एक रंडी के चार यार, एक अंदर, एक बाहर, तीसरा बीमार, तो चौथा तैयार। आवाज है तरुण जान, आवाज है। Cut it, okay. मार मत तरुण। चिंदी चोर साले, गलत कर रही है तरुण। निकल यहाँ से। नहीं तरुण, साला झंडू तरुण के पैसे मारता है,
Cut it, okay. Very nice shot, Mai. Very good. Very nice, Mai. Darun. Khub bhalo koreche. Darun koreche. Ke bare mone. Very nice. Very nice. Hey, script ta de amake. Mai. एक मिनट मेरी बात सुन लो। उस दिन जो भी हुआ था, it was nothing. It was just a moment. I mean, for God's sake, I'm not a lesbian. Anyway, वो special appearance, वो आज खत्म हो गया। कोलकाता वापस जा रही हूँ। तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। I'm sorry कि हम दोस्त नहीं बन पाए। Wish you all the best. Take care. प्रमिता, अपना ख्याल रखना। Thanks. माँ स्टॉप इट। कितना अच्छा वीकेंड गया हमारा। पता नहीं मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने क्यों आई। माही, इरिटेट होने से कुछ नहीं होगा। तुम जानती हो कि मैं सच कह रही हूँ। और आप जानती हो ऐसे डिसीजन लेना आसान नहीं है। लेकिन क्यों आसान नहीं है? तुम हमेशा कहती थी कि आर्यन तुम्हें कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, और अब ये अंगद तुमसे शादी करना चाहता है। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? डोंट यू लव हिम? ऑफ कोर्स आई लव हिम, पर इस वक्त मैं अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ, और उसका भी तो करियर है। शादी की क्या जल्दी है? देखो माही, अंगद से शादी करना या ना करना ये तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, जो तुम्हारे दिल में है ना उसे साफ साफ बता दो। डोंट कीप हिम हैंगिंग। जो आर्यन ने तुम्हारे साथ किया था वो उसके साथ मत करना, समझी? I knew it. सब ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, मैं ही नहीं माना। अंगद, try to understand. मैंने शादी के लिए मना नहीं किया है, बस यही कहा है कि right now we need to give time to our careers. तो शादी की क्या जल्दी है? ये कह कह के तुमने मेरा पूरा साल बर्बाद कर दिया, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? It's all nonsense. पाने सब। तुम हीरोइनों को जब प्यार मिले तो करियर चाहिए, जब करियर मिले तो प्यार चाहिए। You greedy women! और मुझसे शादी करके तुम्हारा कौन सा करियर डूबने वाला है? मैं चूतिया था। अंगद, मैंने सोचा तुम सबसे अलग हो, खुश नहीं हो इस फिल्मी दुनिया में, ले जाना चाहता था तुम्हें। I loved you, Mai. अंगद, प्लीज। लेकिन अब बस, I can't do this anymore. तुम एक्ट्रेसेस को असली प्यार करना आता ही नहीं है, सिर्फ प्यार की एक्टिंग करने आती है। अंगद, प्लीज रिलैक्स। तुम लोगों को सिर्फ इस्तेमाल कर सकती हो माही। I don't want you anymore. I don't want you anymore. अंगद, जिंदगी तो धीरे-धीरे हेलो, व्हाट तपन्ना, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप फिल्म को बंद कैसे कर सकते हैं? यू कांट सेल दिस फिल्म। हम सब कुछ कर सकता है। ब्लडी कॉर्पोरेट फिल्म मेकर्स, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर को फिल्म मेकिंग सिखाता है रोज के रोज। कभी बोलता है फिल्म बहुत सीरियस है, कभी बोलता है इसमें कॉमेडी ट्रैक डालो, कभी बोलता है इसमें आइटम सॉन्ग डालो। ब्लडी नो एस्थेटिक सेंस, और हमको फिल्म मेकिंग सिखाता है। मैं बात करती हूँ, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। नो, कुछ सॉर्ट आउट नहीं होगा।
हम डिसाइड कर लिया ये पिक्चर हम नहीं करेगा। पर अब आप इस फिल्म को शेल्फ कैसे कर सकते हैं? मैंने इस फिल्म की वजह से कोई काम नहीं लिया है, ना फिल्म्स, ना एंडोर्समेंट्स, और अब आप इसको बीच में छोड़ के चले जाएंगे? माही कपंदा प्लीज, आई हैव लॉस्ट ऑल पेशेंस। हमको मालूम है तुम ये फिल्म के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत सैक्रिफाइस किया है, बट एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। ये एक्सपीरियंस जो तुमको ये फिल्म में मिला है ना, इट विल मेक यू बेटर एक्ट्रेस। कपंदा प्लीज, तब तुम हमको याद करेगा। ब्लेस यू कपंदा, कपंदा। ग्रेसी, जस्ट गेट आउट, बंद करो, मुझे कहीं नहीं जाना है, जस्ट गो। वो कहते हैं ना, सच्चे दोस्त बनाने के लिए एक अच्छा दोस्त बनना पड़ता है, और फिल्म स्टार्स अपने अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते बेचारे। अगर माही का अपना कोई होता तो शायद अंदर से इतनी डरी हुई नहीं होती, इतनी गलतियां नहीं करती। तरन्नुम जान वॉज अ बिग मिस्टेक, जिसकी सजा माही अपने आप को दे रही थी। बिखर गई वो, पुराने राइवल्स और नई लड़कियों ने उसकी जगह ले ली थी। ले दे के एक शगुफ्ता रिजवी ही थी जिससे मिलके माही को थोड़ा सुकून मिलता। उस दौरान जब उससे मिली तो मैंने लिखा भी था कि माही की ये हालत उसकी खुद की वजह से थी, पर गलती खुद की हो या किसी और की, दर्द तो उतना ही होता है ना। पुआ माही, क्या क्या नहीं किया उसने दर्द को कम करने के लिए। तो क्या डिसाइड किया है आपने? सुना है आप साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट ले रही हैं, और आपने ये खुद फॉर्म में मेंशन किया है कि आपको अल्कोहल की आदत है। सो आपकी फैमिली बैकग्राउंड और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अच्छी तरह से स्क्रूटिनाइज करने के बाद हमारे एडॉप्शन पैनल ने ये डिसीजन लिया है कि आप सिंगल पेरेंट बनने के लायक नहीं है। लायक नहीं हूं? What do you mean? कैसे डिसाइड किया उन्होंने? माही, कभी कभी देखा है मुझे? कभी कभी मिले हैं मुझसे? माही, कागज के दो टुकड़े देकर कैसे डिसाइड किया है कि मैं लायक नहीं हूँ सिस्टर? हाँ, टेल मी सिस्टर, टेल मी। माही, अच्छा पेरेंट बनने के लिए सब्र और इमोशनल कंट्रोल दोनों की बहुत जरूरत होती है, और आपके पास वो दोनों क्वालिटीज नहीं है। कुछ साल और प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा अप्लाई कीजिए। गुड डे सिस्टर। हाय माही। ये क्या है पल्लवी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अडॉप्शन नहीं हुई तो क्या हुआ, फ्रंट पेज न्यूज़ हो तुम। आजकल ऐसी कवरेज के लिए पैसे देने पड़ते हैं। व्हाट नॉनसेंस, मुझसे पूछे बगैर तुमने ये स्टोरी कैसे दी? एक्सक्यूज मी, अब मैं तुमसे पूछकर न्यूज दूंगी? वो टाइम भूल गई जब तुम्हारी एक छींक तक को मैंने बिग न्यूज बनाकर छापा है? तब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, there was no problem. क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ है। वेक अप माही, हमारी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल और पर्सनल में कोई फर्क नहीं होता। तुम्हारी लाइफ एक पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसे मैंने यूज करके तुम्हारा कमबैक प्लान किया, जिसे तुमने बिल्कुल रुइन कर दिया। ये मेरे पीआर स्किल्स हैं जो तुम आज भी न्यूज में हो, ताकि तुम्हें पब्लिसिटी मिले और तुम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन सको, वरना तुम्हारे पास है क्या? नो फिल्म्स, नो रिलेशनशिप्स, एक्चुअली नथिंग। गेट आउट, इसी वक्त निकल जाओ, यू आर फायर्ड, एंड डोंट एवर शो मी योर ब्लडी फेस।
आउट। सच सुना नहीं गया ना? किसी ने ठीक ही कहा है, एक इंसान होते हैं और एक एक्टर। मुकेश जी, दो सुपर हिट दी है माही ने आपको। एक तो रोहन जी के साथ ही है, हक बनता है उसका कि एक और फिल्म करे आपके साथ, प्लीज। राशिद भाई, आप तो जानते ही हैं इंडस्ट्री का सारा इक्वेशन फ्राइडे टू फ्राइडे का है, और माही की आखिरी हिट अब्बास की फिल्म थी, वो भी एक साल पहले, और उसके हीरोज के साथ पंगे। मैं तो क्या, कोई और हीरो उसके साथ काम नहीं करना चाहेगा। एंड नॉट टू फॉरगेट उसका वो पागलपन। वो कौन सी प्रोस्टिट्यूट्स वाली पिक्चर की थी उसने, वो तरन्नुम जान, 9 महीने वेस्ट किया उसने, 9 महीने, और इन 9 महीनों में न जाने कितने फ्रेश फेसेस आ चुके हैं। और इंडस्ट्री किसी के लिए रुकती नहीं, ना तो माही प्रोफेशनल है, ना ही कोई बॉक्स ऑफिस सक्सेस है। मेरा मशवरा मानिए राशिद भाई, माही से कहिए कोई रियलिटी शो पकड़ ले, और नहीं तो किसी रिच एनआरआई से शादी कर ले। मुकेश ये देख, सांत्रोपे, साउथ ऑफ फ्रांस, माइंड सुपर्ब है ना? ग्रेट जॉब, फैंटास्टिक, आई थिंक द पिक्चर्स आर गुड, वी शुड गो फॉर अ रेकी। ठीक है मुकेश, चलता हूं मैं। माही, एक हीरोइन का वक्त वैसे भी बहुत कम होता है हमारी इंडस्ट्री में, ऐसे बैठी रहोगी तो वो भी चला जाएगा। तो और क्या करूं रशीद भाई, कोई काम ही नहीं दे रहा है। एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आई है, छोटे बजट की फिल्म है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी नया है, वो कहते ना न्यू वेव सिनेमा, तुम कहो तो मीटिंग फिक्स करूं। एक अपीयरेंस का भी ऑफर आया है माई, शादी दिल्ली में है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है, दुल्हन की फ्रेंड बनकर जाना है शादी में, प्राइस बहुत अच्छा है, बात करूं? Yes, your seat, ma'am. All right. Your boarding pass. Thank you. I'll get it for you, sir. Thank you. Hi. अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? You look beautiful. I know, Mai. मैंने बहुत hurt किया तुम्हें। कितनी बार सोचा तुमसे बात करूं, कर ही नहीं पाया, और जब कल तुम्हें फ्लाइट पर देखा, आई रियलाइज हाउ मच आई मिस्ड यू। कितने खुश थे हम। व्हाट डू यू वांट आर्यन? आई लव यू माई। तुम्हारे जाने के बाद आई रियलाइज कि मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तुम्हारे जाने के बाद मेरे 3-3 लिंकअप्स, बट यू नो व्हाट, मैं उन सबको हमेशा तुमसे ही कंपेयर करता रहा और हमेशा डिसअपॉइंट रहा। They're just not like us. I really love you, Mai. क्यों आ रही है ना? Why now? क्योंकि तुम्हारे जैसे किसी ने आज तक मुझे प्यार नहीं किया। I know, Mai, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत सडन है। But really think about it. We were really good together.
प्लीज माई कम ऑन। मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो ये करता। So I guess this is it then, huh? Your precious mind. You take care. Aryan. दिमाग की लड़ाई में हमेशा दिल ही जीता है और माही के केस में तो दिमाग वैसे ही कमजोर था। आर्यन के साथ माही का पैचअप हुआ और उसका करियर भी एक छोटे बजट की फिल्म एनी के साथ दोबारा शुरू हुआ। आर्यन सीरियस था उसके बारे में पर माही वॉज नॉट श्योर। पुराने जख्म इतने फ्रेश थे उसके दिमाग में कि पूरी तरह अपना नहीं पा रही थी इस रिलेशनशिप को। आर्यन के साथ होते हुए भी उसकी नहीं हो पा रही थी। क्या बात है भाई, मूड खराब है? नहीं तो। कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम इतनी खुश नहीं हो जितना होना चाहिए। भाई तुम मुझे बताओगे नहीं तो कैसे होगा? पता नहीं आर्यन, पता नहीं मुझे एक डर सा लगा रहता है कि अगर मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहले जो हुआ वो बार बार याद आता है। माही, ये सब ऐसे ही थोड़ी ठीक हो जाएगा। वक्त देना होगा हमें इस रिलेशनशिप को, एक दूसरे को, ताकि धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाए। आई थिंक आई हैव अ प्लान। तो मेरे साथ एक फिल्म कर रही हो, बिग बजट पीरियड फिल्म, मैं और एलेक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वेल इसी बहाने एक साथ रहेंगे और हमारे पैर का कमबैक भी हो जाएगा। क्या लगता है तुम्हें? आई थिंक वी विल हैव अ ब्लास्ट। प्लीज एंडी, किसी को मत बताना ये फिल्म के बारे में क्योंकि आर्यन ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, पर मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि इट्स अ पीरियड फिल्म एंड मुझे मेरे कॉस्ट्यूम्स फुली रिसर्च चाहिए। ओके, एनीवे एंडी, बाद में बात करते हैं। ओके, या या, सी यू लेटर। हेलो हेलो मैम, प्लीज सिट। थैंक यू। नायर साहब, एनी 15 दिन में रिलीज होने वाली है और पिक्चर की पब्लिसिटी बहुत वीक है, कोई बज नहीं है। दिन में 4-5 बार प्रोमोज आते हैं और वो भी सब चैनल्स पे नहीं, कैसे होगा ये? क्या करें माही जी, हमने तो 3 करोड़ रुपए रखे थे पब्लिसिटी के लिए, पर आपने कहा कि आपको क्लाइमेक्स रीशूट कर रहे हैं तो हमने पब्लिसिटी के बजट में से फंड्स निकाले। रीशूट की वजह से ही तो फिल्म इंप्रूव हुई है। एनीवे, नाउ वी हैव टू बी अग्रेसिव। एक नई पीआर कंपनी इंप्लॉय करो, रेडियो, टीवी, हर जगह एनी की पब्लिसिटी होनी चाहिए। दिस फिल्म हैज टू बी अ हिट। डेफिनेटली, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। We have to. 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इस फिल्म में। It's already a very risky project. मायू को लेकर हम इसे और रिस्की नहीं बना सकते हैं। She's over, Aryan. क्या कहते हो? I'm sorry, I didn't mean that. लेकिन Aryan हमारी कंपनी नहीं है, ये लॉन्च फिल्म है हमारी। We need a blockbuster. सब कुछ नया होना चाहिए इसमें, म्यूजिक, कास्टिंग, लोकेशंस, एवरीथिंग। और तुम्हें और मायू को देख चुके ऑडियंस और बहुत पसंद भी करती है। करती थी। कम ऑन, तुम भी जानते हो ऑडियंस को हमेशा फ्रेश पेयरिंग चाहिए होती है। और मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर ली है, वो लोग एक्साइटेड है अगर हम शाहिन खान को ले लें। दो सुपर हिट फिल्म दी है उसने, शी इज अ स्टार ऑफ द मोमेंट एंड शी इज गॉट डेट्स। तुमने उससे बात भी कर ली? रिलैक्स, उसके सेक्रेटरी से फिलहाल घूम फिर के बात की है। देखो एलेक्स, ये फिल्म मैं माही को प्रॉमिस कर चुका हूं। एंड आई एम रियली सीरियस अबाउट इट। यस, आई कैन सी दैट।
तभी तो इतना इमोशनल हो रहे हो। बट प्लीज आर्यन, आई वुड सजेस्ट कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखो, डोंट मिक्स देम। बिसाइड्स मैं तुमसे ये मना थोड़ी कर रहा हूं कि तुम माया के साथ काम मत करो, उसे अगली फिल्म में एडजस्ट कर लेंगे यार, बट इस फिल्म के लिए वो ठीक नहीं है बजट के हिसाब से भी। जस्ट थिंक अबाउट इट। कितनी कम मीडिया है यहाँ, क्या बात करेंगे? क्या करें माया जी, दो बड़े इवेंट थे आज, लगता है सब वहाँ गए। प्रॉमिस तो किया था कि आएंगे, लेट्स सी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की डेट चेंज कर दी थी, ऐसी आधी अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है? सॉरी माया जी। शैल वी स्टार्ट? माही जी, सुना है आप और आर्यन खन्ना शादी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ये है कि अब आप रिटायर होने वाली हैं? हम यहाँ इस फिल्म एनी के बारे में बात करने आए हैं, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। मैं कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं आंसर करना चाहती, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सिर्फ प्रोफेशनल क्वेश्चंस पूछे। सही कहा माही, तो हम यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल बातें करने आए हैं, तो प्लीज इस प्रोफेशनल क्वेश्चन का जवाब दीजिए। रूमर्स है कि आपको आर्यन की होम प्रोडक्शन के लिए साइन किया गया था, लेकिन अब शाहीन खान ने आपको रिप्लेस कर दिया है। आपकी मार्केट में पोजीशन डाउन होने की वजह से डिसीजन लिया गया है, आपका रिस्पांस? आप मीडिया वालों को तो फिल्म स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए, अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए क्या स्टोरीज बनानी? हीरोइन ने गाड़ी ली तो बिजनेसमैन ने गिफ्ट कर दी, डायमंड खरीदा तो एंगेजमेंट हो गई, हॉस्पिटल गए चेकअप के लिए तो अबॉर्शन हो गया, एलए गई तो प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, और गॉड फॉरबिड दुबई गई तो उसका रेड कार्ड बन जाता है। स्टोरीज बनाना तो कोई आप लोगों से सीखे। आप डाइग्रेस हो रही हो माही, सवाल का जवाब आप अब भी नहीं दे रही है। आप जानती है ना कि आर्यन के होम प्रोडक्शन से आपको निकाल दिया गया है? ये रूमर गलत है, आर्यन की फिल्म की हीरोइन मैं ही हूं। मिल गया आपको आपका जवाब? और इस फिल्म के बारे में है कोई सवाल? है कोई सवाल? आई गेस नहीं है, सो लेट्स रैप दिस अप। माई जी प्लीज, माई जी पागल हो गई। यार आज माही कब से ट्राई कर रही हूँ यार, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, उसी के बारे में तो बात करनी थी। तुम्हें पता है पूरे मीडिया में बज है कि शाहीन तुम्हें रिप्लेस कर रही है। I know. उस तमन्ना ने पूछा था मुझे। स्टोरी सही है। You know, अभी मेरी शाहीन की सेक्रेटरी के साथ बात हुई है। डेट्स भी डिस्कस हो चुकी हैं। और आर्यन की फिल्म शाहीन कर रही है, तुम नहीं। I'll talk to you later. चैरिटी शो में अंकल ट्विस्ट करवाएगा क्या? Come on, आर्यन। थोड़ा इजी देना यार। मुझे तुमसे बात करनी है। नाउ एक मिनट। ओके। यू आर लाइंग आर्यन, तुमने एलेक्स से बात की? माई मैंने कहा ना मैंने एलेक्स से बात नहीं की। नहीं हुई बात? नहीं हुई बात तो मैं अभी भी फिल्म में हूं। ओके लिसन, मैंने एलेक्स से बात की थी। सी, आई जस्ट न्यू इट। बेबी प्लीज लिसन टू मी, मैंने एलेक्स से बात की थी लेकिन हमने कोई डिसीजन नहीं लिया। वो चाहता था कि हम शाहीन को साइन कर ले। और शाहीन का नाम सुनते ही तुम पागल हो गए, ये नहीं कह सकते थे कि इस फिल्म में मैं हूं? ये फिल्म अभी भी तुम्हारी है माई, मुझे बस एलेक्स से बात करने दो। तो अभी करो, डू इट नाउ। रिलैक्स माई, आई विल डू इट एट माई टाइम, सब ठीक हो जाएगा। झूठ, तुमने ईशा के वक्त भी यही कहा था, तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। You're a cheat, liar, bloody bastard! Relax, Mai. इतनी बड़ी बात भी नहीं है जितना तुम बना रही हो। Really? तो फिर कहते क्यों नहीं कि इस फिल्म की हीरोइन मैं हूं? क्योंकि मुझे एलेक्स से बात करनी होगी, बहुत सारे डिसीजंस लेने होंगे, आफ्टर ऑल ये 150 करोड़ की फिल्म है। रिलैक्स, मैं अभी भी कह रहा हूं मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा। आज मैं इतनी बड़ी फिल्म की हीरोइन नहीं हूं ना, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। बेबी दैट्स नॉट ट्रू। रियली? तो फिर बोलो, बोलो कि मैं इस फिल्म की हीरोइन हूं।
या नहीं? My, listen to Tell me now! कि मैं इस फिल्म की हीरोइन हूं या नहीं? मेरे लिए तुम हो। Wow! क्या जवाब दिया है आर्यन? तुम किसी के नहीं हो सकते। Oh, come on, Mai. I just knew it. तुम किसी के नहीं हो सकते। हाँ एलेक्स, यार मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं शाइन के बारे में श्योर नहीं हूँ, तो ये बात मीडिया में कैसे आ गई? तुम तो मीडिया को जानते हो आर्यन, जरा सा डिस्कस करो, मीडिया न्यूज़ बना देती है। What nonsense, एलेक्स, तुम्हारे अलावा ये बात कोई नहीं जानता था। Anyway, ये फिल्म मैं सिर्फ माही के साथ बना सकता हूँ। यार तुम माही को लेकर इतना इमोशनल क्यों हो जाते हो? ये एक इमोशनल डिसीजन नहीं है एलेक्स, जरा स्क्रिप्ट पढ़ लो, माही इज परफेक्ट फॉर द पार्ट। तो अगर ये फिल्म बनेगी तो माही के साथ ही बनेगी, वरना नहीं बनेगी। ओके, आर्यन, आर्यन, सिली चैप। राम, आर्यन खन्ना इस फिल्म में शेल्ड। कम ऑन मोहित, Come on, pick up. क्या हुआ सर? हाँ, कुछ नहीं। सर आपका दिल्ली का टिकट, आपको यहीं से जाना पड़ेगा, लेट हो रहा है। ओह, यार ये कैंसिल कर दो प्लीज। सर कैंसिल कैसे कर सकते हैं, वहां पे लोग रुके हुए हैं सर। How dare he? Why is a star? I'm a star! मैं उसे दिखाती हूँ। I'll show that bastard. I'm not over. या माही बोलो। पल्लवी कहाँ हो? घर पे हूँ, बोलो। तो मेरे घर आ जाओ। Now? Yes, right now, please. That's not possible. पल्लवी, I need you here right now. माही, what's the matter? वो मैं तुम्हें घर पे बताऊंगी। Come here now. अभी इस टाइम कैसे आऊँ माही? I cannot come. Forget the damn time. पल्लवी, मेरे घर आ जाओ, right now, please. All right, माही। आ रही हूं मैं। That bastard Aryan, उसने शाहिन को ले लिया है फिल्म में। पल्लवी, you have to do something. एनी फिल्म का चलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। This film has to work professionally and personally. I'm sorry माही, मैं कुछ नहीं कर सकती। परसों रिलीज है फिल्म, कितनी भी पब्लिसिटी करो, कितने भी पैसे डालो, इस पिक्चर का कुछ नहीं हो सकता। You have to do it. Please, please पल्लवी, please. You're my only hope. कुछ करो, you have to do it. एनी का चलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, बस बस फिल्म को ओपनिंग लग जाए। माही, एनी एक छोटे बजट की फिल्म है, वो भी वुमन सेंट्रिक। ऐसी पिक्चर को ओपनिंग सिर्फ एक कॉन्ट्रोवर्सी से लग सकती है, वो भी कहाँ है हमारे पास? I don't care. तुम कर सकती हो, सिर्फ तुम ये कर सकती हो। I know you can do it. Do something. Palmi, please. क्या भेजेंगे हम, कैसे भेजेंगे इस पिक्चर को? तुम्हारे नाम पे अब कुछ है ही नहीं बेचने के लिए। एक चीज है,
पल्लवी। हाँ माही, टेप्स लीक कर दिए। सुनो, कोई फोन मत उठाना। एंड डोंट रिएक्ट एट ऑल। हेलो, हाँ, चिल्ला क्यों रहा है यार, क्या हुआ? हाँ, आज फिल्म जगत में सनसनी फैल गई जब माही अरोरा और सुपरस्टार आर्यन खन्ना का एक सेक्स टेप इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लीक हुआ। ये टेप माही की फिल्म एनी रिलीज होने के एक दिन पहले सामने आया है। अब तक ये पुख्ता नहीं हुआ है कि ये सीडी असली है या मॉक, लेकिन बॉलीवुड जगत इस पर खामोश है। हमने कई दिग्गजों को फोन करने की कोशिश की पर किसी ने जवाब नहीं दिया। लगभग सभी अपना फोन बंद करके बैठे हैं। क्या है इस सीडी के पीछे का राज? माही ने खुद किया है या किसी की साजिश है? नहीं, माही अरोरा का करियर जरूर आज डाउन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई लड़की खुद ऐसा करेगी। ये जरूर किसी ने मॉर्फ किया है, इसकी जाँच होनी चाहिए। आपकी राय हमें बताने के लिए SMS कीजिए 5455। माही इस वक्त शॉक में है, वो कोई भी स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है। ये सीरीज डॉक्टर है, इसलिए मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे किसी भी तरह की तूल ना दे। और अगर किसी को ये लग रहा है कि माही ने अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए किया है, तो मुझे लगता है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। थैंक यू। ये क्लिप माही के फिल्म रिलीज होने के एक दिन पहले मिली है। क्या ये माही के खिलाफ साजिश है या फिर एक और घिनौना पब्लिसिटी स्टंट? कंट्रोवर्सी का तो पता नहीं। मैम, खाना लगा दूँ? नहीं चाहिए, तुम खा के सो जाओ। ओके मैम। हाँ बोलो पल्लवी। हेलो माही, बम्पर ओपनिंग लगी है फिल्म को। मल्टीप्लेक्सेस एंड सिंगल स्क्रीन्स आर रॉकिंग। रियली? वी हैव डन इट माही, वी हैव डन इट। आई विल कीप अपडेटिंग यू। बाय। मेरे पीछे खड़ी भीड़ को देखकर साफ तौर पर जाहिर होता है कि माही की सीडी तो जानबूझकर रिलीज की गई हो या फिर फेक हो, जो भी हो, लेकिन इस कॉन्ट्रोवर्सी से माही की फिल्म एनी को बहुत ज्यादा फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। As the latest film, Annie, shows the silver lining at the box office with the record-breaking first-day collection. हम लोग माही के फैन थे और एनी देखने जा रहे हैं। कंट्रोवर्सी की वजह से एनी फिल्म देखने लोग जाएंगे जरूर और मैं भी जाऊंगी। इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कंट्रोवर्सीज के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमारे सिनेमा में फिल्म सुपर हिट है। फिल्म वाले ऐसे ही होते हैं, अपनी फिल्म हिट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी, इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सीडी असली हो या नकली, उससे क्या फर्क पड़ता है? जिसको फिल्म देखनी है वो तो देखेंगे। इस पे इतना ड्रामा और डिबेट क्यों? After all, it's only a film. क्यों रशीद भाई, आप खुश नहीं लग रहे? आपको भी लगता है ये गलत है? क्या फर्क पड़ता है माही? फिल्म को तो बम्पर ओपनिंग लग गई,
मल्टीप्लेक्सेस में और सिंगल स्क्रीन में 95%। रही बात सही और गलत की तो ये मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि जिस माही से मैं 10 साल पहले मिला था वो ये सवाल सब कुछ होने से पहले पूछती, बाद में नहीं। ये रही डेट्स की डायरी माही, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। सर, सर बाहर मीडिया वाले रुके हुए हैं बाइट के लिए, कुछ तो कहना पड़ेगा सर। माई की फिल्म चल गई। सर इतने बड़े स्कैंडल के बाद फिल्म तो चलनी थी। तो फिर और क्या कहना है रिश्वत? ओके सर। थैंक यू टोनी जी, इस वक्त तो शी इज वेरी टायर्ड, नहीं बात कर पाएगी, पर मैं आपका मैसेज जरूर दे दूंगी। थैंक यू, थैंक, ओके, बाय बाय बाय। हाँ विक्रम जी, जी जी जी, इतने सारे ऑफर्स आ रहे हैं कि अगले 2 साल तक तो माही बिल्कुल बिजी होने वाली है। राइट, आई कैन ओनली प्रॉमिस यू 1 फिल्म, नॉट 2 जी, बट आई श्योरली गेट हर टू टॉक टू यू। ऑलराइट, बाय बाय, बाय, सी यू। देखा माही, ये हमारी इंडस्ट्री है, वन सक्सेस and they are all back. Anyway, कुछ सोच रहा है सक्सेस पार्टी में क्या पहनोगी? गाउन में भी? आहे, ये सब याद भी नहीं रहेगा, 4 दिन में सब ये कॉन्ट्रोवर्सी भूल जाएंगे, तुम्हें भी भूल जानी चाहिए। I'll see you. शगुफ्ता रिज्वी के फ्यूनरल में आई हुई है। हाँ, सबको बोल दो कि अपनी टीम जल्दी भेजे।
करने वाली इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से अपने जमाने की मशहूर अदाकारा शगुफ्ता रिज़वी की अंतिम यात्रा में आज कोई नहीं आया। अरे तिवारी, अंदर देख, माही अरोरा ही है। अब है माही अरोरा, चल 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 जल्दी कर। ग्लैमर की चमक ने हमें दिखाई नहीं देता कि हमने कितना खोया है, और जब पता चलता है तब बहुत देर हो जाती है। माही जी, प्लीज बताइए, has Bollywood hit an all-time low with the sex tape scandal? माही जी, please share some light on the sex tape scandal. माही जी, sex tape पर क्या राज है? माही जी, मेरे पैसे की पहले की पब्लिसिटी के लिए आपने sex tape लीक करवाई थी। माही जी, क्या आपकी PR कंपनी भी इस sex tape controversy में शामिल है? माही जी, कुछ लोगों का कहना है कि आपको जानबूझ के क्या? माही जी, क्या आपकी PR कंपनी भी इस sex tape controversy में शामिल है? आप माही अरोरा हो? नहीं। और इस एक जवाब ने माही की कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बिल्कुल सुलझा दिया। जिस खुशी को वो इतने साल भीड़ से अलग ऊंचाइयों में ढूंढ रही थी, वो उसे भीड़ का हिस्सा बनकर एक आम जिंदगी में मिली।